दोस्तों, हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा पड़ा है और इस रहस्यमय अंतरिक्ष के बारे में जानने की हर एक व्यक्ति को उत्सुकता रहती है। तो दोस्तों, दिन में होने वाला नीला आसमान, रात में दिखने वाले तारे और चंद्रमा सबके मन को अपनी ओर लुभा लेते हैं, जिस करके हम सबका मन करता है कि हम उड़कर अंतरिक्ष तक पहुंच जाए, पर ऐसा हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, चलो आज के इस वीडियो में हम हमारे प्यारे अंतरिक्ष के बारे में अच्छे से जानते हैं। नंबर 6, दोस्तों, हमारा अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है क्योंकि ध्वनि या फिर वॉइस को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एयर, वाटर या फिर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस की आवश्यकता लगती है। लेकिन अंतरिक्ष में तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, जिस करके वहाँ वॉइस ट्रेवल नहीं कर सकती। नंबर 5, दोस्तों, अगर हम शनि ग्रह को यानी कि सैटर्न को पानी में रखने में सक्षम होते हैं तो ये ग्रह पानी पर भी तैर सकता है। सैटर्न भले ही हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पर ये गैसियस फॉर्म में मौजूद है, जिस करके इसकी डेंसिटी पानी से भी काफी कम है। तो यही वजह है कि सैटर्न पानी में भी नहीं डूबेगा और उसके सरफेस पर तैरने लग जाएगा। नंबर 4, दोस्तों, अगर हम एक ही तरह की दो चीजों को अंतरिक्ष में आपस में रख देंगे या फिर टच कर देंगे तो वो चीजें हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाती है, और इस प्रोसेस को हम कोल्ड वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु को नहीं पता होता कि वो अलग अलग टुकड़ों के पार्ट में है, और अंतरिक्ष में वायु न होने के कारण धातु में अलग सी लेयर नहीं बन पाएगी, जिस करके वो आपस में जुड़ जाएंगे। जबकि धरती पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि धरती पर वायु मौजूद है, जिस करके धरती पर मौजूद धातुओं के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जो कि दो धातुओं को आपस में जुड़ने ही नहीं देती। नंबर 3, दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य एकमात्र तारा है, तो दोस्तों, ये तारा इतना बड़ा है कि ये एक साथ 13 पृथ्वी को अपने अंदर समा सकता है। और इतना ही नहीं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कुल 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद है, और साइंटिस्ट की माने तो उनके अनुसार अंतरिक्ष के अंदर 100 बिलियन आकाश गंगा है। और हाँ, वैज्ञानिकों ने अभी तक केवल 1% ही स्पेस को स्टडी किया है, मतलब कि स्पेस वाकई ही हमारे सोच से काफी बियॉन्ड है। नंबर 2, दोस्तों, अगर हम पृथ्वी पर 1.5 फीट तक कूद सकते हैं तो हम मंगल ग्रह पर 3 फीट तक कूद सकते हैं, और चंद्रमा पर हम 10 फीट तक कूद सकेंगे, पर हम बृहस्पति यानी कि जुपिटर पे तो कूद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे कूदने की क्षमता ग्रेविटी पर निर्भर करती है, और बृहस्पति यानी कि जुपिटर की ग्रेविटी हमारी धरती से 2.4 टाइम्स ज्यादा है, जिस करके हम वहाँ पर जंप तो दूर की बात है, हम वहाँ अच्छे से मूव भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, दोस्तों, अंतरिक्ष में एक शराब का भी बादल है, तो दोस्तों, एक्वेला नाम की एक आकाश गंगा है, जहाँ पर इथाइल एल्कोहल के कई विशाल बादल मौजूद है, और इसका आकार नॉर्मल बादल से काफी बड़ा है, और यह बादल हमारे सौर मंडल में होने वाले बादलों से लगभग 1000 गुना बड़ा है, और इसकी दूरी हमारे पृथ्वी से करीब 1 लाख लाइट ईयर है, यानी कि वहाँ तक प्रकाश को पहुँचने में भी लगभग 1 लाख सालों का समय लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।